हरिओम नारायण हरी। आप सब लोग प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो। स्वस्थ रहेंगे तभी तो व्यस्त और मस्त रह पाएंगे, है ना। एक कार्ड निकल गया पहले ही, देखते हैं क्या है। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, अब हम देखते हैं। कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड जो है वो आपकी लाइफ में चेंज को दर्शा रहा है, मतलब कार्ड है डेथ का। डेथ का कार्ड का मतलब डरने वाला नहीं है, डेथ वाला नहीं है, ये केवल सिग्निफाइज है कि भी सिग्निफिकेंट ये है कि ये चेंज को दर्शाता है। इसका महत्व केवल हमारी लाइफ में चेंज लाना है, परिवर्तन। अगर हम जिसमें भी चल रहे हैं उसमें चेंज होगा, उस परिस्थिति में चेंज होगा, उन सर्कमस्टांसिस में चेंज आएगा जिनको हम अभी तक जी रहे थे, उन सब में परिवर्तन आने वाला है। और ये नई शुरुआत को भी इंडिकेट करता है, नई शुरुआत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। और इस तरह इस कार्ड का आना एक्चुअल डेथ से रिलेट नहीं करता, इस कार्ड का आना हमारे जीवन में परिवर्तन का प्रतीक है। अब देखते हैं दूसरा कार्ड क्या कह रहा है। चेंज है ना, पहला कार्ड चेंज को बता रहा है। दूसरा कार्ड जो आप नई शुरुआत करने वाले हैं, नई बिगनिंग करने वाले हैं, उसमें आपके हार्ड वर्क को बता रहा है कि आपको इसमें बेहद हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो आप नई बिगनिंग करने वाले हैं, नई शुरुआत करने वाले में आपको स्ट्रगल करना होगा। और स्ट्रगल से घबराइएगा मत, क्योंकि स्ट्रगल ही वो अग्नि है जो हमें कुंदन बनाएगी। सोना जब तक तपता नहीं है तब तक चमकता नहीं है, तो तपने के बाद ही चीज़ चमकती है, तपस्या के बाद ही चीज़ चमकती है। तो इसलिए आपके लिए स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल आपको आने वाले समय में कुंदन बनाएगा, आपको खरा सोना बनाएगा। आप 24 कैरेट के होकर के निकलेंगे, और जब आप निकलेंगे कुंदन बन के, तो आपके उस फैलाव को, आपके उस चमक को देख करके दुनिया, लोग, आपका जो सराउंडिंग, जो फील्ड होगा आपका, जिस फील्ड में आप नई शुरुआत करेंगे, वो लोग आपको ही एग्जांपल मानेंगे, लोग आप ही का उदाहरण देंगे, एग्जांपल देंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड क्या बता रहा है। देखिए अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो आप नई शुरुआत करेंगे, फिर उसका स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, बिग सक्सेस, बड़ी सक्सेस, बड़ी सफलता, तो उस सक्सेस पे आप घमंड मत करिए, प्राउड मत करिए। और जो उस सक्सेस को पाने में आपने आपके कुछ सीक्रेट्स रहे हैं, देखिए सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं,
कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसी युक्तियां होती हैं, कुछ ऐसे टैक्टिक्स होते हैं जो हमारी सफलता में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। वो मत किसी को बताइएगा, वो अपने तक ही रखिएगा। हो सकता है कि आपकी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली वो सब सही हो, और अगर आप सामने वाले को वो टिप दें, वो युक्ति दें, तो उसके काम के अकॉर्डिंगली, उसके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली वो सही ना हो और वो उनका इस्तेमाल करे और अनसक्सेसफुल रहे, तो वो फिर आपको गाली देगा कि भैया मिसलीड किया, मिसगाइड किया मेरे को। ऐसा ना करिएगा, अपने सीक्रेट्स, अपने टिप्स अपने तक रखिएगा, दूसरे को मत बताइएगा, क्योंकि वो सीक्रेट्स आपके अपने हैं। आपका काम करने का एक तरीका अपना है, मोड ऑफ ब्रेंडी आपका अपना है, दूसरे का वो तरीका नहीं हो सकता। हो सकता है कि जो टिप आपने दूसरे के साथ बातचीत में इस्तेमाल किए हो, आपने उस ढंग से बात की हो सकता है जिसको आप टिप दे रहे हो उसका वे ऑफ टॉकिंग वैसा ना हो और वो ऐसे ढंग से बात करे कि वो टिप उसके लिए ही एक मुसीबत बन जाए। तो ऐसा ना करिएगा, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखिएगा, दूसरों को मत दीजिएगा। और ऐसा ना हो कि आप तो भले के लिए अपने वो युक्ति, अपना वो टिप दूसरे को दें और वही टिप और वही युक्ति आपके लिए टेंशन का कारण बन जाए। ऐसा ना करें और अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखें। अगला कार्ड ये बता रहा है कि जो आप नई शुरुआत करने वाले हैं ना, तो वो जो आपके साथ काम करेंगे लोग, आपके आपका स्टाफ भी हो सकता है, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ भी हो सकता है, तो उनके साथ अपने गोल को बहुत अच्छे से डिस्कस करिएगा कि हमारा ये गोल है, हमारा ये एम है और हमें ये हासिल करना है, हमें ये प्राप्त करना है, यहाँ तक हमें सक्सेस लेनी है और इतने पीरियड में लेनी है। क्योंकि जब हम किसी गोल को तय करते हैं कि हमें इस गोल को लेना है, प्राप्त करना है, हासिल करना है, तो हम उसमें एक टाइम फ्रेम भी लेते हैं कि इतने समय में हमें ये काम करना है, इतने समय में हमें इस कार्य को कंप्लीट करना है। तो वो सारा एक जो आपने खाका अपने माइंड में बनाया है, उस सारे खाका को अपने पूरे स्टाफ के साथ डिस्कस करें, उनको भी बताएं कि भी और जिसको जो जिम्मेदारी आपने देनी है उसको अच्छे से वो जिम्मेदारी भी दें, और उसको जिम्मेदारी देने के बाद ये समझा भी दें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका काम है, ये आपकी फील्ड है और इतने समय में इतना टारगेट, इतना गोल हमें अचीव करना ही है। तो ये सारी बातें आप उनके आगे क्लियरली मेंशन करें, क्लियरली उनको बताएं, ताकि वो लोग भी उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाएंगे, उसी हिसाब से वो अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब तौर तरीके आपको अपनाने होंगे अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जो आपके हेल्पफुल लोग हैं, जिनकी साथ से, जिनके सहयोग से, जिनकी जो आप के साथ काम करेंगे, उनके साथ आपको इस तरह डील करना होगा। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है वो भी देखते हैं, क्या आ रहा है। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपने इस नई शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे, इस नई शुरुआत की इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसी चीज़ों को इनवाइट किया था, ऐसे काम करने के लिए ऐसी चीज कुछ होगा, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कुछ लोग हो, चाहे सर्कमस्टांसेस हो, कुछ चीज़ों को ऐसा को इनवाइट किया था जो अब आपको लग रहा है कि नॉट सो यूजफुल, तो अब आप उन चीज़ों को छोड़ दें, लेट गो करें, उन लोगों को भी छोड़ दें, उन परिस्थितियों को भी छोड़ दें, या कोई मशीनरी आपने ली थी तो वो आपके में आगे काम नहीं आएगी तो उसको भी आप छोड़ दीजिए और अपने काम में उसको एक समापन देते हुए नए चेंज की तरफ बढ़ जाइए। मतलब कई दफ़े होता है हम नया काम शुरू करते हैं
और हम उसके लिए कुछ मशीनरी लेते हैं, तो बाद में हमें लगता है कि इस मशीन से ज़्यादा तो दूसरा वो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है मशीन, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, वापस कर दें कंपनी को, या उसको बेच दें, जिसको चाहिए उसको दे दें। तो आपको ये थोड़ा सा अपने आप में एक बदलाव लाना होगा, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। चाहे वो कोई प्लान हो और वो प्लान आपको यूज़फुल नहीं लग रहा है, तो आप उस प्लानिंग को भी छोड़ दीजिए, लेट गो करिए। आपने जो नई चीज़ बनाया, नया प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करें। इस तरह की बात इसमें आ रही है। और एक जो आपने नया फ्रेश स्टार्ट किया है, फ्रेश आइडियाज़ जो आपके माइंड में हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करें, वही आपको आगे सफलता दिलाएंगे, आपके लिए वही अच्छे हैं। आप अपने किसी बचपन के फ्रेंड से भी मिलने वाले हैं, जो अब आपकी तरह पूरा ग्रो कर चुका है, लेकिन है आपका बचपन का दोस्त, जो आपके लिए एक बड़ी फायदे की बात है। फ़ायदा फाइनेंशियल भी है, फ़ायदा मन की खुशी का भी है। जब हम अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसा लगता है हम उस बचपन के दौर में ही चले गए हैं, हम उसी समय को जी रहे हैं, हम उसी काल में चले गए हैं, हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं पास्ट में। तो वो बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने किसी पुराने बचपन के फ्रेंड को मिलते हैं, तो लगता है कि हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपको भी वही अनुभूति होने वाली है। इसके बाद आपका जो तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका ये जो चेंज है आपके लिए सुखद रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप होश से आगे बढ़िए और तो ये चेंज में जो भी आपको चैलेंजेस आएंगे, आप उन्हें पार करेंगे, अच्छे ढंग से उनका सामना करेंगे उन चैलेंजेस का, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि पीछे भी आपने कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, तो इसे भी आप कंप्लीट करेंगे। चैलेंजेस तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उनको अच्छे से फेस करेंगे। इसके अलावा मुझे आपसे एक और बात करनी है, मेरा एक दूसरा आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल है, सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सहयोग करिए, ताकि मेरी वाणी आम जन तक पहुँच सके। मैं तो वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचाने में आप मुझे सहायता दें, आपका सहयोग वांछनीय है, क्योंकि मालूम नहीं किसको कौन सी सहायता मिल जाए, किसको कोई जीवन नया मिल जाए। तो आप मेरा उसमें सहयोग करें, मेरे सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की उतनी रखिएगा, जो ना करें उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे मैत्री टैरो रीडिंग इसी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण।